नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ ज्ञान भाई एसके में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SSC MTS का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो दोस्तों, SSC MTS के पेपर 5 अक्टूबर से स्टार्ट हैं, तो आप SSC MTS का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों, SSC ने जो MTS की पोस्ट थी उसके नॉर्दर्न रीजन का भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे। तो दोस्तों, नॉर्दर्न रीजन की वेबसाइट चेंज हो गई है, तो उससे आपको काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दूंगा मैं, वहाँ से जाके आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद दोस्तों, आपको नीचे स्क्रॉल करके जाना है और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ स्टेटस फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 पेपर 1। तो ये आज की डेट में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 25 सितंबर 2021 को ये लिंक एक्टिवेट हुआ है। तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो हम स्टेटस या एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड आपके एग्ज़ाम के 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा, आप अब फिलहाल स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ ये जो एग्री है इस पर क्लिक करते हैं, ये जो एग्री लिख रखा यहाँ क्लिक करते हैं, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट पे क्लिक करने के बाद हमें इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। तो दोस्तों, एडमिट कार्ड हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा जब निकाल सकते हैं, या रोल नंबर, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा जब, या नेम होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ होगा तो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, 3 मेथड से हम निकाल सकते हैं। ये तीसरे मेथड में नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद हम सर्च स्टेटस पे क्लिक करेंगे, उससे आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका पेपर कब है, कि कौन सी जगह का। तो आपको एडमिट कार्ड आएगा जब पता लगेगा, लेकिन सिटी का पता लग जाएगा। और दोस्तों, ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।